दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने YouTube के सब्सक्राइबर को कैसे हाइड करें। और दोस्तों बहुत से लोगों ने सब्सक्राइबर को हाइड कर दिया, अब उसे अनहाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइबर हाइड करने के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों अगर हमारे सब्सक्राइबर अनहाइड रहेंगे यानी दिखते रहेंगे, तो दोस्तों कोई भी पर्सन अगर हमारे चैनल पे आएगा तो उसे कम सब्सक्राइबर लगेगा, तो समझेगा इनके खुद के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये हमें क्या नॉलेज देंगे। इनके खुद के सब्सक्राइबर कम है और इनके पास खुद नॉलेज नहीं है, ये हमें क्या देंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें सब्सक्राइबर अपने हाइड करके रखना चाहिए। दोस्तों आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना दोगे अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर के ऊपर ही जज करते हैं कि इनके सब्सक्राइबर कम है तो इसलिए इनकी वीडियो में नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको सब्सक्राइबर को हाइड ही रखना चाहिए। तो दोस्तों सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले चल के मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूँ हमारा जो सब्सक्राइबर है वो अनहाइड है, उसे हमें हाइड करना है। तो यहाँ से अपना यूट्यूब ओपन करेंगे और यहाँ पर लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ यूअर चैनल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो सब्सक्राइबर है दिख रहा है, 4 सब्सक्राइबर हैं, 2 वीडियो हैं। तो दोस्तों अब इसे हमें हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए दोस्तों हम बैक आते हैं और यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो मेन चैनल है वो लॉगिन है। तो दोस्तों अब हमें जो चैनल का सब्सक्राइबर हाइड करना है वो लॉगिन करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको चाहे लोगो पे क्लिक कर देना, अगर आपके फ़ोन में लोगो नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना। बहुत से ऐसे फ़ोन में जिसमें लोगो नहीं आता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गूगल सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो अलाउ क्रोम साइन इन है इस पर क्लिक कर देना है, इसे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद फिर से दोस्तों इसे ऑन कर देना है। अब दोस्तों बैक आना, बैक आने के बाद ये टर्न ऑन इस पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है, एरो का निशान है, इस पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों वो वाला जीमेल आप यहाँ पर ऐड कर लेना, तो मेरे वो वाला जीमेल मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यस आई एम इन कर देंगे, फिर यहाँ पर कीप डाटा इस पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ से एस आई एम इन कर देना। तो दोस्तों फाइनली अब हमारा वो वाला जीमेल, वो वाला यूट्यूब चैनल लॉगिन हो गया। दोस्तों देख सकते हैं लोगो हमारा चेंज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम सर्च करते हैं studio.youtube.com, इसे लिख के दोस्तों हम यहां से हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों इसे हम सर्च करेंगे, ये हमारा क्रोम ब्राउज़र में अपना YT स्टूडियो ओपन हो गया। यहां गेट ऐप पे क्लिक करेंगे तो हम ऐप्स में चले जाएंगे, लेकिन यहां कंटिन्यू टू स्टूडियो इस पर दोस्तों हमें क्लिक करना होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया क्रोम ब्राउज़र के YT स्टूडियो में। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सेटिंग पे क्लिक करना होगा, सबसे नीचे दोस्तों देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें सेटिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर देंगे, यहाँ चैनल का ऑप्शन देख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा और दोस्तों देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट ये यहाँ पर टिक है यानी दिख रहा है। अब यहाँ पर हम अनटिक कर देंगे, दोस्तों अब ये हमारा हाइड हो गया। अगर दोस्तों आपका हाइड है तो आप यहाँ पर टिक लगा देना ऐसे ही आके, अगर आपका आपको हाइड करना है तो यहाँ पर इसे हटा देना। उसके बाद दोस्तों मैं सब्सक्राइबर हाइड कर रहा हूँ तो इसे टिक हटा दे रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा वेटिंग लेगा, ये दोस्तों देख सकते हैं सेटिंग सेव्ड यहाँ नीचे लिख के आ गया पॉपअप। अब दोस्तों फिर से हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने यूट्यूब में। यूट्यूब में आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारा सब्सक्राइबर हाइड हो गया। दोस्तों फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं, दोस्तों देख सकते हैं हमारा सब्सक्राइबर हाइड हो गया और 2 वीडियोज़ केवल दिखा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखें या फिर ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।